अब ये जहां हम बैठे हैं YMCA ग्राउंड, इसके पीछे एक अदारा है जिसके बारे में आपने जाना। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इस शहर में क्या हो रहा है, तो हमने थोड़ी सी ग्लिम्सेस दिखाई। सबसे पहले तो अगर तुम चाहते हो कि आज 25-30 हजार अंदर हैं, इतने रोड पे हैं, कि आइंदा भी ये सारी चीजें तुम्हें मिले, तो ACP KHI पे परमानेंट अपने आप को रजिस्टर कर दो। जो कुछ करेंगे बगैर किसी टिकट के तुम सारे आओगे, सारे के सारे मेरे लिए तालियां बजाओ, ऑल ऑफ यू। मैं मेरी टीम बार बार कह रही है, आप सारा बताएं। बात यह है कि ये मेरा काम है, हजारों घंटों में से 10 मिनट, तो मैं क्या बताऊं। बस ये है मकसद क्या था, मकसद पाकिस्तान था, मकसद पाकिस्तान का झंडा था, मकसद जब से पैदा हुआ हूं इस मिट्टी में, ये सिंध कराची नाजमाबाद के कच्चे पक्के मकान में, मुल्क छोड़ के मैं भी जा सकता था। मैं बहुत पैसे है, सब कुछ है, नहीं छोड़ के गया तुम्हारी तरह। और दूसरी बात, मुसावात मोहम्मदी की तरह मेरे पास 500 मर्सिडीज में आओ या टूटी हुई चप्पल के साथ आओ, दोनों को बराबर इज्जत मिलेगी। पैसे की बुनियाद पे इज्जत नहीं मिलेगी, टैलेंट की बुनियाद पे मिलेगी। अपने आप को जोड़ो, स्टेडियम में भी करेंगे, CV पे भी करेंगे, आतिफ असलम को भी बुलाएंगे, आबिदा परवीन को भी बुलाएंगे, रात को भी बुलाएंगे, ठीक है। सारे के सारे कल रजिस्ट्रेशन खोलूंगा। इस शहर में 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च नहीं करूंगा, तैयार, सबने मुझे ऑफर किए, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तुमने कोयटा में देखा 50-50 हजार लोग थे, तुमने लाहौर में देखा, कश्मीर में, तुम्हारे लिए भी तो कोई काम करे ना। हाँ, सो लेकिन अभी आपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी सुना, मैं अकेला तुम्हारी तरह मिडिल क्लास का आदमी 17 साल से, मैं हूं तो 26 साल, एक कचरा कुंडी को दुनिया का बड़ा अदारा बनाया। लेकिन भाईजान, कुछ पैसे भी तो चाहिए ना, रोटी खाने के लिए, फंक्शन करने के लिए, आसे बजर को बुलाने के लिए। पूरी सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब और इन्होंने जितनी बिल्डिंगें बनी, जितना एक सकाफती इनकलाब आया, ये सब ये काम ना पंजाब में होता है, ना KP में होता है, ना बलूचिस्तान में होता है, सिंध के पैसों से हम जाके पूरे पाकिस्तान को एक्टिवेट कर रहे हैं। 450 पर पूरे पाकिस्तान का फोक, पूरी दुनिया के आर्टिस्ट हमें क्या कहते थे, ये दहशत गर्द हैं। 3 दिन पहले एक मीडिया में मैंने देखा कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री आफ्टर लेबनान एंड सूडान, और यू ऑल आर टेररिस्ट। आज यू आर टेररिस्ट, यू आर द मोस्ट सिविलाइज पीपल ऑन अर्थ। यस, है ना। अभी यहाँ 20-25 हजार हो, एक बच्ची को टच नहीं कर रहे हो, मुहज़्ज़ब तरीके से हो, और ये शहर है, और ये पाकिस्तान के बनाने वालों की औलादों की औलादे हो तुम, वो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। इसको बचाना भी हमने, इसको चलाना भी हमने। तो मेरी टीम में मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी 31 साल का है, पूरी टीम नौजवान है, उसके साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के बच्चे जुड़े हुए हैं। तुम सारे के सारे मेरे साथ जुड़ सकते हो। एक मैं चीफ सेक्रेटरी से, मेरे भाई हैं, फेस्टिवल शुरू होने से पहले तमाम महकमों को उन्होंने जमा किया, सिविल एविएशन, ASF, KMC, पुलिस, SSU, हमारे CCPO साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जो यहाँ खड़े। ये जो तुम इतने आराम से खड़े हो, तुम्हें पता है यहाँ धरने चल रहे थे, मेट्रोपोल पे क्या हो रहा था, प्रेस क्लब पे क्या हो रहा था, इसके बावजूद 38 दिन तक। सो ये काम आसिफ हैदर शाह, चीफ सेक्रेटरी सेन, हम्बल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स सेक्रेटरी कल्चर, भरपूर तालियां मुझे चाहिए। तुम अगर चाहते हो कि ये सारा कुछ करो, शाह साहब आप इधर मेरे साथ आ जाए, और मैं CCPO साहब को भी बुलाऊंगा, उनका पूरा DIG SSU, हमारा DIG साउथ, हमारा डिप्टी कमिश्नर साउथ,
तमाम के तमाम 40 दिन तक एयरपोर्ट के। और आपको पता है बम धमाका जब हुआ, तुम लोगों को जानना जरूरी है, ये मुल्क तुमने चलाना है, तो हमारे 20 डेलीगेट स्पेनिश अमेरिकन एयरपोर्ट के अंदर थे, पीछे से वॉकिंग ट्रैक से निकाल के टर्मिनल वन से उनको लेके आया। इन लोगों ने वो काम, ये जो इनविजिबल हीरोज है ना, और सीसीपीओ कराची, मैं दरखास्त करूंगा कि वो भी आपके सामने आए कि जो आपके शहर को पुरम रखते हैं। सर मैं ये दरखास्त करूंगा कि चंद अवार्ड है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के, और चार आखिरी हफ्ते के डेलीगेट, ये 10 मिनट में, फिर आप उसमें 2 मिनट में चाहूंगा कि आप कुछ गुफ्तगु इस एफर्ट के लिए करें। सो अवार्ड अनवर मकसूद, जो हम सबके गुरु हैं।